अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमिन सुम आमिन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है तीन रेसिपीज और तीनों जो रेसिपीज़ हैं बड़ी लेंदी रेसिपीज़ हैं, तो इसलिए आज मैं बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करूँगी, मैं फटाफट झटपट रेसिपी बनाऊँगी। आज बन क्या रहा है ये भी मैं आपको बता दूँ, आज बहुत मज़ेदार सा मखनी पिज़्ज़ा बन रहा है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की विंग्स बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जंबो प्रॉन्स हैं जो मॉन्सरवा के, उससे हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेस। और देखिए कितना मज़ेदार सा मेन्यू आज का, आज का ऐसा मेन्यू है कि आपको अभी किसी जगह पे होटलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में ये पूरा मेन्यू बनाएं और इन्जॉय करें। इसलिए कि आपको पता है कि एक तो चीज़ें इतनी महंगी हैं, फिर दूसरा ये भी होता है कि अभी भी लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं कोविड ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म, ऐसा नहीं, अभी भी है। कोशिश यही करनी चाहिए कि घर में रहें, अच्छा पकाएं, खाएं और पैसे बचाएं। पैसे भी बचाने बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर इतनी महंगाई हो गई है तो सब चीज़ों का सोचना पड़ता है। अब पिज़्ज़ा आप जो यहाँ पर बनाएंगे, घर में अपने बनाएंगे तो आधी कीमत में पड़ेगा, अगर बाज़ार से लेंगे तो आपको 1100 रुपये 1200 रुपये में एक पिज़्ज़ा आएगा और फिर पेट भी नहीं भरता, उसी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जिनकी फैमिली ज़्यादा होती है ना, बस एक एक पीसीस में ख़त्म हो जाता है। तो खैर आज की रेसिपी आप शेयर की करूँगी मैं आपके साथ, आप इसको ट्राई कीजिएगा और फिर देखिए कैसे मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। अच्छा जी, हम क्या लेंगे, अच्छा पिज़्ज़ा की डो मैंने पहले से बना ली है, ये काम पहले से कर लिया। आपको पता है कि जब तक अच्छी तरह से राइस ना हो तो मज़ा ही नहीं आता इसका बनाने का, ठीक है ना। तो खमीर बहुत अच्छे से होना चाहिए, खमीर मैंने करके रख लिया है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या डाला है। तो यहाँ पर है हमारे पास ये चिकन है, 300 ग्राम कितना चिकन लेंगे और चिकन को आपने इस तरह से छोटी छोटी सी इसकी बोटियाँ कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी सी आपने इसकी बोटियाँ कर लेनी है। 300 ग्राम में बहुत अच्छा आपका पिज़्ज़ा बन जाता है, लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बन जाएगा और टॉपिंग भी बड़ी मज़े की होगी, वरना बाज़ार में तो आप देखो जब लेके आते ऐसा लग रहा होता है सिर्फ वो कहते हैं ना वो जैसे ठेलों पे वो चिकन टंगा होता है सिर्फ दिखाने के लिए और अंदर क्या होता है कि उसके अंदर वो यखनी सारी ऐसी होती है, तो वो यही होता है बाज़ार के पिज़्ज़ा का कि सिर्फ दिखाने के लिए आपको होता है कि इसमें चिकन डाला हुआ है लेकिन चिकन होता नहीं है। अच्छा जी, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर तैयार करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर लूँ, वापस इसी बॉल में डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसको करते हैं साफ, चलें जी इसके ऊपर लगाते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सारी चीज़ें लगा के इसको करते हैं मैरिनेट। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं एक पैन जिसके अंदर हमने इसको चिकन को तैयार करना, जितनी देर में चिकन हमारा रेडी हुआ इतनी देर में हम इसकी टॉपिंग की तैयारी कर लेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, ये डालेंगे, थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये साइड पे रखती रहूँगी ताकि याद रहे हमने क्या क्या डाला, थोड़ा सा इसमें नमक और ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना, ठीक है, आप चाहें तो उसको पैन के अंदर जो डालकर ऑयल और लहसुन डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो वैसे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर भी ओरिगानो डालूँगी ताकि इसके अंदर फ्लेवर आए, और ये जो हम बना रहे हैं मखनी पिज़्ज़ा तो इसके अंदर जाएगा क्रीम, अच्छी तरह से आपने इसको मैरिनेट किया। यहाँ जाएगा बटर, बटर को करेंगे हम यहाँ पर मेल्ट, ठीक है, बहुत जल्दी बनता है, सिर्फ जो टाइम इसमें लगता है पिज़्ज़ा की डो का होता है उसकी मैरिनेशन, उसमें टाइम लगता है कि वो उसको राइस होने में, तो आपने क्या करना है उसको पहले से बना लीजिएगा। अच्छा, ज़रा सा इसमें ऑयल डालूंगी ताकि बटर जो है हमारा जले ना। अब ये मसाला लगा चिकन इसमें डालते हैं और इसको हम ढक देते हैं, ठीक है, और यहाँ से करेंगे सारा नीट एंड क्लीन, ये यहाँ पे रखते हैं, चले ये ब्लैक पेपर वगैरह है तो इसलिए मैं इसको यहाँ रख दूँगी, ये बाकी नमक वगैरह। अच्छा, इसको मैं करती हूँ कवर जब तक ये अच्छी तरह से गल रहा है, पक रहा है, इतनी देर में मैं यहाँ पर इसकी पिज़्ज़ा की रोटी जो बना लूँगी, फिर टॉपिंग का आपको बताऊँगी। हम मोज़रेला चेडर चीज़ दोनों ले रहे हैं, दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, ठीक है। ये देखें इसके क्रीम वगैरह डालकर बस इसको मैं ढक देती हूँ इस ताकि गले, थोड़ा सा इसको हम स्लो करेंगे
इसको करते हैं कवर। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास पिज़्ज़ा की डो है इसको मैं बेल लूँगी और ट्रे ग्रीस करके रखी हुई है इसके अंदर हम इसको रख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आपने आधा किलो मैदा लेना है, आधी चाय का चम्मच आपने नमक लेना है, एक खाने का चम्मच चीनी लीजिएगा, एक खाने का चम्मच ईस्ट लीजिएगा, उसके बाद आपने एक अदद अंडा लेना है, चार खाने के चम्मच ऑयल लीजिएगा, उसके अंदर आपने दूध के साथ या गूंद लीजिएगा या फिर ड्राई मिल्क डाल दीजिएगा, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर बेल लेती हूँ। इतनी देर में चिकन हमारा रेडी हो रहा है, बिस्मिल्लाह। बहुत बड़ा ही लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा जो है आपका रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर डालते हैं आटा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हो गया है, राइस हो गया। इसको आपने अच्छी तरह से, इस तरह से इसकी एयर निकालनी है अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पिज़्ज़ा जो है ना सॉफ्ट सा बने, ठीक है। खूब अच्छी तरह से आपने इसको गूंदना है, थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट बने, बस 15-20 मिनट पहले इसकी रोटी बनाकर आप इसके अंदर रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपने रख लेना है ट्रे के अंदर, फिर आप उसको रखिएगा बेलने के लिए, फिर देखिएगा बड़ी ज़बरदस्त इसकी रोटी बनेगी। अच्छा, ये जो बाज़ार वाले होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं इस तरह से मार्बल के ऊपर पटक पटक के कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है उनकी नान, उसकी ब्रेड बड़ी ज़बरदस्त बनती है। खूब अच्छी तरह से इसको पटक के वो बनाते हैं। चले जी, ये देखिए, इसको मैं थोड़ी सी और इसकी एयर निकालूंगी जब तक चिकन हमारा रेडी हो रहा है। खूब अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से गूंदना है। ये थोड़ा नरम भी था तो इसलिए भी मैं इसमें डाल रही हूँ ये आटा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो, फिर इसकी रोटी बेलेंगे। अभी ये फौरन के फौरन बेलेगा नहीं। ये देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट देती हूँ, फिर इसको मैं बेल लूँगी, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। इतनी देर में यहाँ पर इसकी जो ऊपर की टॉपिंग है उसको हम तैयार करेंगे। टॉपिंग के लिए क्या, देखिए पहले मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें, अभी गला नहीं है, अभी थोड़ा सा और पकेगा। और ये देखिए, मैंने इसके पीसेस चिकन के इतने रखे हैं कि ताकि आप जब खाएं तो आपको एक उसका चिकन का आए तो सही पीस मुंह में, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही लगे कि बस खाली आप वेजिटेबल खा रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद इसको इसी तरह से बेल के यहाँ रखूँगी और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो टॉपिंग की चीज़ें वो मैं निकाल लेती हूँ। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स मेरे पास पड़े हुए ये हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। बस इसको आपने स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। अच्छा, चाहे तो इसको चॉप कर सकते हैं, चाहे आप स्लाइस में कट कर लें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। इस तरह से होता है ये कि बाज़ दफ़ा तो मैं चॉप करके भी डाल देती हूँ, बाज़ दफ़ा मैं ऐसे भी डाल देती हूँ, वो खैर आप पे भी डिपेंड करता है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया है कि ताकि फिर मैं उसको अभी बेलूँगी और बाकी पिज़्ज़ा की सॉस वगैरह डाल के बस एक ही उसमें हम इसको रख देंगे पकने के लिए, कोई इतना टाइम नहीं है। चले जी, ये एक अदर प्याज, प्याज को भी इसी तरह से कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने इसको कटिंग किया, सेम यही करेंगे। मेरे पास यहाँ पर बेजल लीव्स भी रखे हैं, अगर आपका दिल हो, आपको अच्छा लगे तो आप ये भी ऊपर से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है बेजल का, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से निकाल लेंगे इसके ये, और इसको भी मैं यहाँ पर शिमला मिर्च के साथ डालूँगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चिकन को निकालना है बॉल के अंदर, थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, इतनी देर में इसकी रोटी बेल कर इसकी टॉपिंग शुरू करेंगे। तो पहले हम इसको एक बॉल में निकालते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको चिकन को निकालते हैं, रोटी को बेलते हैं, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस जाएगी, वापस आएंगे तो आपके सामने बाकी क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स में डालें वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा चिकन को निकाल लिया ठंडा होने के लिए और इसको बेलते हैं रोटी को, ठीक है। ये काफ़ी मुझे लग रहा ज़्यादा है, खैर हम साइडों से इसको कट कर लेंगे, ज़्यादा इसमें आटा है तो हम निकाल लेंगे।
काफ़ी अच्छा ये राइस हो चुका है, इसलिए कि इसको मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा ये राइस भी हो चुका है। इसमें से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, ज़रा नरम है आटा, लेकिन नरम आटे का ही आपका पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा बनता है। अगर बहुत ज़्यादा सख्त आटा होगा तो वो फूलेगा भी नहीं और वो साथ में मतलब सॉफ्ट वाला नहीं बनता, हार्ड हो जाता है। चलें जी, हमने इतना निकाले, कोई बात नहीं, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इसके ऊपर डालेंगे और इसका देंगे शेप, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से हाथ से, ये थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए मैंने उसको निकाल लिया। अब इसकी आएगी टॉपिंग, यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको टॉपिंग के लिए हमने क्या करना है। पहले आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लीजिए, ताकि अंदर इसकी जो फिलिंग है वो आ जाए। अच्छा, सबसे पहले इसमें जाएगी पिज़्ज़ा सॉस। बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बस टमाटरों को उबाले, एक प्याज डाल के उसके बाद आपने उसको छीलना है, छील के उसको ब्लेंडर में पीसना है, ऑरिगानो डालना है, कुटी हुई मिर्चें डालनी है, लहसुन डालना है, नमक डालना है, थोड़ी सी चीनी डालिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है उसको थोड़ा पका लीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म की होममेड पिज़्ज़ा सॉस जो है रेडी हो जाएगी। ये हम पूरी इस पर फैला देते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा ये मज़ेदार सा, नज़र आ रहा है आपको, पूरा चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। ये इसके ऊपर डालेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी काफ़ी सारी इसकी मतलब ये सॉस है, साथ में इसके अंदर चिकन है। वरना क्या होता है कि आपको चिकन तो मिलता ही नहीं है, खाली आपको ब्रेड खाने को मिल रही होती जब आप बाज़ार के ले रहे होते हैं। तो अब आपको देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर सारी टॉपिंग है। ग्रीन चिली भी हमने डाली है और ये देखिए, अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा फैला देते हैं जब तक ये राइस भी होता रहेगा। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने शिमला मिर्च और इसके ऊपर जाएगी चीज़, फिर इसके ऊपर डालेंगे बाकी की हम चीज़ें। अच्छा, मोज़रेला चैडर दोनों जाएगी, इसके बाद चैडर, आप पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं, खाली वो डालना चाहे वो ले भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर मोज़रेला और चैडर दोनों डाल दी। अब इसको मैं एक जगह पे कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी मेरी जगह यहाँ पर खाली हो जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जाएगा ये प्याज के लच्छे जो मैंने कटिंग करके रखे हैं, ये हम डाल देते हैं इस तरह से। शिमला मिर्च भी ये कटिंग करके रखिए, और मैंने इसको अभी देखिए लंबाई में कटिंग किया है। अगर आप चाहें तो आप चॉप भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है उस हिसाब से आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन बड़ी झटपट बनने वाला है ये। देखिए, अब इसके ऊपर जाएंगे ये ऑलिव्स, मशरूम्स, ऑलिव्स, ये आप सब चीज़ें इस पर डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इस पर जाएगा ये मेरे पास है ओरिगानो, थोड़ा सा कलर के लिए। चलें जी, ये हो गया हमारा काम पूरा, ठीक है। अब ये राइस भी हो रहा है, अब ये जा रहा है ओवन में, जब तक ये बेक होगा हम विंग्स की तैयारी कर लेंगे। 180 पर 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर आपने इसको रख देना है। चलें जी, ये तो हो रहा है बेक, अब हम अब चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। इसके भी दो स्टेप हैं, एक हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, एक हम चिकन को तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हम यहाँ पर से चलें, बाद में भी नीट एंड क्लीन कर लेंगे, जब हमारा ब्रेक आएगा तो हम उसमें इसको तैयारी कर लेंगे। ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप नोट कर लीजिएगा विंग्स का, विंग्स जो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी विंग्स बन रही है, इसका मैं आपको बता देती हूँ। सॉस के साथ हम इसको बना रहे हैं और इसकी जो सॉस है ना, बड़ी चिकन विंग्स विद हॉट सॉस के साथ है, ठीक है। सबसे पहले ये हमने लिया है तकरीबन आधा किलो चिकन, इसके अंदर जाएगी काली मिर्च और
बच्चों नमक दे दो, नमक ठीक है, काली मिर्च, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, इसके बाद लेमन जूस, ये मेरे खूबसूरत वाले लीमू हैं ठीक है, इसका हम लेमन जूस ले लेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर है नमक, इसके बगैर मज़ा ही नहीं है खाने का। इसके अंदर जाएगा लीमू का रस, कोशिश करें थोड़ा सा टाइम इसको दे दीजिएगा मैरिनेशन के लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, झटपट पकाएं और खाएं। चले जी, इसके अंदर जाएगा लीमू का रस, थोड़ा सा मैं ओरिगानो भी डाल देती हूँ। ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें काली मिर्च, नमक, लीमू का रस, ज़ीरा और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक अदद अंडा कॉर्नफ्लोर डालकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। फिर फ्राई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो हॉट सॉस की चीज़ें हैं उसकी उसको रेडी करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है उसको इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर रख देते हैं इसको अच्छी तरह से। जब मिक्स करना है तो मैं इसको ग्लव्स के साथ मिक्सिंग करती हूँ, वैसे तो मेरे हाथ बड़े छोटे छोटे से हैं लेकिन ग्लव्स को पकड़ कर मैं इसको मैरिनेट कर लेती हूँ। ये देखिए अभी अंडा भी इसमें जाएगा, पहले मैं इसको इस तरह से मिक्स करती हूँ। ये देखें अच्छी तरह से आपने इसकी मसाज करनी है विंग्स की, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ताकि हम जब इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाएं तो वो फीकी ना रहे, ठीक है। ये देखें अब इसके अंदर डालेंगे एक अदद अंडा, कॉर्नफ्लोर डाल के इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा अंडे को मैं अलग से तोड़ लेती हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कॉर्नफ्लोर के साथ, फिर इसको मैं करूंगी फ्राई, ठीक है। चलें जी, अब इसमें जा रहा है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डालकर ये करूंगी इसको फ्राई, डीप फ्राई करके निकालते हैं, दूसरी साइड पे इसकी सॉस तैयार करेंगे। पिज्ज़ा हमारा चला गया उन्होंने बेक होने के लिए, फिर हम आएंगे उसके अंदर जो सेकेंड रेसिपी की तरफ है उसकी तरफ आएंगे, ठीक है जी, थर्ड रेसिपी की तरफ, सेकंड नहीं थर्ड की तरफ। चलें जी, इसको करती हूँ मैं ऑयल में फ्राई, सॉस आपके सामने बनाऊंगी और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो मैंने विंग्स को मैरिनेट किया था, मैरिनेट करने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, अंडा डाला था और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया, ऑयल के अंदर गरम करके मैंने विंग्स इसमें डाल दी, ठीक है। विंग्स अभी हमारी यहाँ पर फ्राई हो रही है, इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, खूब खूबसूरत सा कलर देना है। कलर देने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर जो सॉस है वो सॉस क्या है मैं बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर अभी स्पेस है तो मैं ये भी विंग्स डाल देती हूँ, तकरीबन आधा किलो के बीच में मेरे पास विंग्स थी, ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से ये पकेगी, ज़्यादा मतलब इसको हाई फ्लेम पे भी नहीं करना, तो दरमियानी उस पर कीजिएगा ताकि अंदर तक ये जो बहुत अच्छे से पक जाए। पकने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेनर में निकाल देना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो निकल जाए। अच्छा, अब इसकी सॉस की तरफ आते हैं, सॉस जो हमने इसकी बनानी है हॉट सॉस, उसके भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए क्या है कि हम एक पैन लेंगे, ठीक है, इस पैन के अंदर हम डालेंगे लहसुन, ठीक है, और जब हमारी विंग्स रेडी हो जाएंगी तो इसके अंदर हमने इसको कोट करना है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डालनी है। बटर के साथ बनेगा, ये बटर है मेरे पास, मक्खन है, ठीक है, मक्खन के अंदर लहसुन जाएगा, थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि ये उड़े ना, ठीक है। अच्छी तरह से इसको पहले मैंने पका लेना, मक्खन और लहसुन को थोड़ा ये फ्राई होगा। यहाँ पर है मेरे पास ये टोमेटो पेस्ट है, इसके बाद हॉट सॉस है, ग्रीन चिली है, ठीक है, ग्रीन चिली पेस्ट है, ये हम पूरा इसके अंदर डाल देंगे। बस थोड़ा सा मुझे इसको फ्राई करना है पहले, इतनी देर में हमारी विंग्स जो है वो रेडी हो रही हैं, फ्राई हो रही है विंग्स, इसकी सॉस जो बनाएंगे। फिर इस सॉस के अंदर हमने इसको कोट करना है, ऊपर आप चाहे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, आप चाहे इसके ऊपर सेसमी सीड भी डाल सकते हैं। इसको देखते रहिएगा कि जले ना,
करके देखें। अब इसका कलर आना शुरू हो गया, लेकिन मैंने इसको पहले हल्की आग पे रखा था ताकि अच्छी तरह से अंदर तक पके। अच्छा, अब ये जो आपको लगे ना कि ये इस वक्त लहसुन फ्राई हो गया, अब मैं इसका करूँगी चूल्हा बंद। चूल्हा बंद करके अब इसमें जाएगी टोमेटो पेस्ट, हॉट सॉस है, इसके बाद ग्रीन चिली पेस्ट है, ठीक है। बस इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा पकाना है। ये हो गया रेडी सॉस इसकी। अब विंग्स को हम इसके अंदर डाल देंगे। पहले हम निकालेंगे एक्स्ट्रा ऑयल उसका, वहाँ पर स्ट्रेनर के अंदर डाल देंगे, फिर इसके अंदर अच्छी तरह से हमने इसको कोट कर लेना है। बड़ी मज़े की सॉस बनती है इसकी, इसके साथ आप सर्व करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इसको मैं चेक कर लेती हूँ, फिर हम लास्ट रेसिपी की तरफ आएंगे। बड़े मज़ेदार से सैंडविचेस बन रहे हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पर मॉन सलवा के यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। जम्बो प्रॉन्स के साथ बनाएंगे और मज़े ले लेकर खाएंगे। अच्छा ये देखिए, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बस आपने चेंज करना है ताकि ये अच्छी तरह से सारी तरफ से फ्राई हो जाए। कलर इसको खूब खूबसूरत सा आना चाहिए ताकि अंदर तक पके, ये ना कि जब आप खा रहे हो तो ब्लड निकल रहा हो, ये भी ना हो। जब चिकन टिक्का या विंग्स के अंदर जब ब्लड निकल के सामने आता है ना, तो अगर आप खुद खा रहे हैं या आपके गेस्ट खा रहे हैं तो उस टाइम पे बड़ा बुरा लगता है। तो ये बेहतर है कि आप पहले तो इसको सिरके के साथ मैरिनेट करके रखें और फिर जब आप फ्राई करें तो इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करें। ये देख लीजिएगा, मैं अभी इसको मुसलसल टर्न कर रही हूँ ताकि ये हो जाए। अच्छा, वहाँ पर पिज़्ज़ा भी देख रही हूँ, वो भी तकरीबन होने वाला है। कलर आ रहा है इसका, थोड़ी देर और रखते हैं ताकि कलर आ जाए, फिर हम इसको निकाल, बल्कि आपको दिखा ही देती हूँ, आप भी देख लीजिएगा। ओहो, क्या ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा चेंज करूँगी इसलिए कि ये एक साइड से ज़्यादा हीट आती है, एक साइड से कम आती है। इतना ज़बरदस्त ये राइस हो गया था, ये देखें। चले जाएगा सब, इसको भी अभी मैं थोड़ी देर के बाद निकाल लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर विंग्स निकालते हैं, ये देखें। फिर हॉट सॉस के साथ इसको हमने कोट करना है। इसको आपने कलर आ रहा है जो, तो निकालते जाइए। बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है, देखें इतना खूबसूरत इसका कलर आया। बस ये ध्यान दीजिएगा, ज़ाहिर है ऑयल ऑयल पे थोड़ा सा होता है कि भाई घिर ना जाए। चलो जी, ये अब इसका करते हैं चूल्हा बंद और इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से विंग को हम करेंगे इसके ऊपर कोट। ये ऑयल निकल गया, अब इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना, खूब अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। ये मसाले के साथ कोट हो जाएगी और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया या फिर आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर पार्सले भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बस इसको कोट अच्छी तरह से करने का, इसलिए कि हमने इसके अंदर बटर डाला, तो बटर की वजह से ना इसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर है। आखिर में मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी। चलें जी, ये भी हमारी विंग्स भी रेडी हो गई, पिज़्ज़ा का भी मैं अब बंद कर देती हूँ, वो भी तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो यहाँ पर जम्बो प्रॉन से बनेंगे मॉन सलवा के मज़ेदार से सैंडविच। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर पिज़्ज़ा हमारा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है और अब हम बनाएंगे सैंडविचेस, जंबो प्रॉन्स के साथ सैंडविचेस बनाएंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास ये मॉन सलवा, ठीक है। मॉन सलवा के जंबो प्रॉन्स हैं, इसको आप चाहें तो आप वैसे खा सकते हैं, आप चाहें इसको सैंडविचेस वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसको किसी डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके प्रॉन्स हैं, इनके सी फूड में फ़िश फिलेज भी हैं और बाकी जिस तरह से कबाब में चपली कबाब, सीख कबाब, साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पे फ्राइज़ मिलेंगे, चिकन फ्राइज़ वगैरह, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये मॉन सलवा की हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म की। तो यहाँ पर मेरे पास ये देख लीजिएगा, ये आपको नज़र आ रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के जंबो प्रॉन्स हैं। जंबो प्रॉन्स को हम निकालेंगे और इसको फ्राई करेंगे और इसके सैंडविचेस बनाएंगे।
अमूमन चिकन का भी बनाते हैं हम लोग, फिश फिले का भी बनाते हैं, लेकिन ये जंबो प्रॉन्स के जब आप बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। और ना आपको वॉश करने की ज़रूरत है, ना आपको इसकी वेंस निकालने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस आपने पैकेट्स को खोलना है, इसको निकालना है और उसके बाद आपने इसको ऑयल में, गर्म ऑयल में डाल देना है। यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने विंग्स फ्राई की थी तो मैं इसी में इसको डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के, ये जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, अभी इसका चूल्हा बंद किया हुआ इसलिए कि थोड़ा सा गर्म भी है और दूसरा ये बर्फ़ भी बने हुए हैं, तो जब तक ये डीप रोस्ट हो जाएंगे तो इसको यहाँ पर रखते हैं जब तक ये फ्राई होंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे, इसकी जो ब्रेड के स्लाइसेस वगैरह हैं उसको हम उसकी टॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, आपने 6 से 8 अदर ले लेने और इस तरह से ग्रिल पैन पे आपने इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो वैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिल पैन भी मैं गर्म करने रख देती हूँ और साथ में यहाँ पर प्रॉन्स को फ्राई करने रख देती हूँ। विंग्स हमारी बड़ी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी हैं, उसको डिश में वैसे निकाली लेकिन खैर मैं अभी उसको वहाँ पर साइड पर रखी हुई है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने इसको सब चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बॉल के अंदर मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास कैप्सिकम रखी है, अनियन वगैरह रखे हैं, आप चाहें तो ये भी इसमें अंदर डाल सकते हैं, सैलेड लीफ डाल सकते हैं, टोमेटो डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप इस तरह से डिफरेंट तरह के उसको मतलब करके बना सकते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे जो है ना वो ज़रा सा आपको पता है कि थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह से पसंद करते हैं कि उनको कुछ चेंज चाहिए, कुछ मज़ेदार चाहिए, तो आप इस तरह से इसको चेंज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रेड के स्लाइसिस रखूँगी, इसको थोड़ा सा ऐसे करके फिर आपने इसको प्रेस कर लेना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके ऊपर इसके जो उसके ऊपर के स्लाइस के वो हैं उसी तरह से ग्रिल के निशान आए, तो आपने हल्का सा इसको इस तरह से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसके ऊपर इसके मार्क आ गया। हमारे हाथ तो इतने वो हो गए, गर्म चीज़ों को हाथ लगा के जलते नहीं, आप लोग ज़रा सा इस्तेमाल कर लीजिएगा, टोंग वगैरह ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें ये इसको ये दोनों साइड से कितना अच्छा इसका कलर आ गया। ठीक है, ये अब बाकी के स्लाइसेस मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने इसके अंदर की फिलिंग करनी है। यहाँ पर मैं फ्राई कर लूँगी जंबो प्रॉन्स को। निकाल लेंगे इसी स्ट्रेनर के अंदर ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसका निकल आए। देखते हैं इसको कलर आता है, अच्छी तरह से इसको फ्राई होने दीजिएगा। पहले आपने ना पलटना इसको वरना ये इसकी कोटिंग जो है उतर जाएगी। ये आराम से फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर मैं इसकी जो डिप है उसको मिक्स करती हूँ और फिर इसके बाद हम ब्रेड के स्लाइसेस पर लगा लेंगे। मैं एक बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर मेरे पास है मायनीज़ है, इसके बाद मस्टर्ड पेस्ट है, थोड़ा सा सोया सॉस, ब्राउन शुगर, काली मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और नमक। ठीक है, ज़रा सा नमक बस। अब इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसको हम ब्रेड के स्लाइसेस पर लगाएंगे जब तक ये हमारे प्रॉन्स जो हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, इसका कलर ज़रा सा लाइट सा आएगा इसलिए कि ये वैसी वाइट ही होती हैं। ठीक है, जिसको मैं जब तक यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ ये अच्छी तरह से फ्राई है। अच्छा, ये जो हमने पूरी इसकी डिप जो रेडी की है ये देख लीजिएगा, इस तरह से आपने मिक्स करना है इसको। टोमेटो केचप आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा। अब ब्रेड के स्लाइसेस आपने लेने हैं इस तरह से, इसके ऊपर आपने ये लगानी है। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर ये लगा देना है। ये मैंने इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखना है तो इसलिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास सलाद के पत्ते, ठीक है, सैलेड लीव है, ये इसके ऊपर लगा देंगे। और यहाँ पर प्रॉन्स फ्राई हो रहे हैं, अगर आप रखना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर खीरा टमाटर रख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर है तो हम इसके अंदर इस तरह से आपने इस तरह से इसके अंदर रख देना है।
छील लेते हैं। थोड़ा सा आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं। चलो ये देखें। अच्छा अब ये फ्राई होगा, इसको निकालेंगे। कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के ये रेडी हो गए हैं। ये देख लीजिएगा, ये जंबो प्रॉन्स है। चलेंगे इसको निकालते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसका थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकलेगा, फिर हम इसको यहाँ पर टोस्ट के अंदर रखेंगे। और जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि ये जो है ना, इसका कलर थोड़ा सा लाइट ही आएगा, दाग नहीं आएगा। प्लेन करते हैं ऑफ अब यहाँ पर। अच्छा जी, ये देखें, ये इस तरह से आपने इसके अंदर रख देने हैं, ठीक है। कटिंग करना चाहें कटिंग कर लें, ओपन रखना चाहें ओपन रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। अगर आप जिस तरह से इसको रखना चाहें, इसके ऊपर आएगा दूसरा ब्रेड का स्लाइस। ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है, ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसके ऊपर भी ब्रेड का स्लाइस रखेंगे इस तरह से। कॉर्नर इसकी कटिंग करेंगे और इसको ट्रायंगल शेप में कट करके हम इसको रखेंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, रिकैप ब्रेक आएगा जिसमें रेसिपीज कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और फिर रेसिपीज को ट्राई करना है। लेते हैं ब्रेक। चिकन मखनी पिज्ज़ा दो के अज्जा, मैदा आधा किलो, खुश्क दूध आधा कप, खमीर एक खाने का चमचा, चीनी एक खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल चार खाने के चमचे, पानी हंस पे ज़रूरत। टॉपिंग के अज्जा, मोज़रेला चीज़ एक कप, चेडर चीज़ एक कप, पिज्ज़ा सॉस एक कप, शिमला मिर्च एक अदद, प्याज एक अदद, टमाटर एक अदद, जैतून चार अदद, ओरिगानो एक चाय का चमचा। चिकन के मैरिनेशन के अज्जा, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, भुना ज़ीरा एक चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च एक चाय का चमचा, मक्खन एक खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट एक खाने का चमचा, नमक एक चौथाई चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम दो खाने के चमचे। तरकीब, एक प्याले में मैदा, खमीर, चीनी, नमक, तेल, खुश्क दूध और पानी मिक्स करके डो बनाएं और ढककर आधे घंटे के लिए रख दें। अब पिज्ज़ा की रोटी बनाकर इस पर पिज्ज़ा सॉस लगाकर मोज़रेला चीज़ डाल दें। फिर चिकन पर हरी मिर्च का पेस्ट, भुना ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम, मक्खन, कुटी काली मिर्च, पिसा गर्म मसाला और नमक लगाकर इसे ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद चिकन, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और जैतून डालकर ऊपर चेडर चीज़ डालें। उसके बाद ओरिगानो डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में आधे घंटे के लिए बेक कर लें। चिकन मखनी पिज्ज़ा तैयार है। चिकन विंग्स विद हॉट सॉस अज्जा, चिकन विंग्स 8 अदद, ज़ीरा एक चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा लहसुन आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, अंडा एक अदद, तेल हंसपे ज़रूरत। हॉट सॉस के अज्जा, हॉट चिली सॉस 4 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, लीमू का रस 3 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब, पहले 8 अदद चिकन विंग्स पर 1 चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा काली मिर्च, आधा चाय का चमचा पिसा लहसुन, आधा कप कॉर्नफ्लावर और 1 अदद अंडा लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर हंसपे ज़रूरत तेल गर्म करके फ्राई कर लें। हॉट सॉस के लिए पैन में 4 खाने के चमचे मक्खन गर्म करके 2 चाय के चमचे कटा लहसुन डालकर फ्राई कर लें। खुशबू आने लगे तो इसमें 3 खाने के चमचे लीमू का रस, 4 खाने के चमचे हॉट चिली सॉस, 4 खाने के चमचे टमाटर का पेस्ट, 1 चाय का चमचा हरी मिर्चों का पेस्ट और आधा चाय का चमचा नमक डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर 2 खाने के चमचे बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। प्रॉन सैंडविचेस अज्जा, ब्रेड 1 अदद, जम्बू प्रॉन्स 1 पैकेट, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, मेयोनीज आधा कप, बारीक कटी गाजर 1 अदद, बारीक कटा खीरा 1 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब, तेल गर्म करके लहसुन का पेस्ट डाल दें। जब खुशबू आने लगे तो जम्बू प्रॉन्स डालकर फ्राई करें। अब आंच धीमी करके इसमें सोया सॉस, ब्राउन शुगर, काली मिर्च और नमक डालकर पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। फिर ब्रेड दरमियान में से काटकर मेयोनीज लगाएं। उसके बाद प्रॉन्स रखें। अब इस पर ऊपर बारीक कटी गाजर, बारीक कटा खीरा, बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्च रख दें।
आखिर में मस्टर्ड पेस्ट डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से जंबो प्रॉन सैंडविचेस भी रेडी हैं, इसके साथ हमने विंग्स बनाई थी हॉट सॉस वाली, वो भी रेडी है, और साथ में मज़ेदार सा फ्लफ़ी सा पिज़्ज़ा, फ्लफ़ी मतलब मोटा सा ब्रेड वाला पिज़्ज़ा भी तैयार है। तीनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार बनी है। ये सारी जिस तरह से आप फास्ट फूड खाने जाते हैं उस तरह की अपने घर में ट्राई कीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो ये थी हमारी रेसिपीज़। आपने रेसिपीज़ कार्ड भी देख लिए, 2 से 3 दफ़ा मैंने बार बार रिपीट भी कर लिया। यकीनन आपको सब चीज़ें आपके कंप्यूटर में बैठ गई होंगी, अब आपको रेसिपी की ज़रूरत नहीं होगी, आपने वैसे ही इसको बना लेना है। तो बहरहाल थैंक यू सो मच आप लोगों का, शो देखा और रेसिपीज़ देख रहे थे, फिर ट्राई भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, कॉल्स भी आप लोग कर रहे होते हैं, तो इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। सब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।